हाँ जी स्टूडेंट्स, हमें देखो जो एग्जांपल है वो क्या दी हुई है। एग्जांपल नंबर 8, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग आकली। मतलब एक कोन बनाया गया जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट क्या है, हमारे पास 26 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस ऑफ बेस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड ए चाइल्ड रीशेप इन टू द स्फीयर। तो जो चाइल्ड है उसको दोबारा किसके शेप में कन्वर्ट करना चाहता है, स्फीयर की शेप में कन्वर्ट करना चाहता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जो चाइल्ड है उसको इस चीज को किस में कन्वर्ट करना चाहता है, एक स्फीयर में कन्वर्ट करना चाहता है। तो हमने जो स्फीयर का क्या बताना है, रेडियस बताना है। ठीक है, तो देखो जो चाइल्ड ने एक क्ले से जब कोन बनाया, जितना वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वही कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम इसमें लिखेंगे, पहले हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन कितना दिया है हमें, 26 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस ये हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और हमने क्योंकि जो सिंस कोन इज रीशेप इनटू स्फीयर, हम कोन को किस में रीशेप करने हैं, स्फीयर में। सो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के क्या है, इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से पहले क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1/3, रेडियस कितना दिया, 6 × 6, हाइट कितनी दी है, 26। यहाँ पे हमारे पास बचा 4/3 × r³। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारे पास आ गया 2 × 6 × 26 × 3/4 = r³। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। ठीक है, हाइट इसकी 24 है, सॉरी 26 नहीं 24 है हाइट इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास 24 है। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल किया, 2 का यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। तो अब हम इसके जब फैक्टर बनाएंगे, अब 24 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 × 4। ठीक है, ये बन गया हमारे पास r³। जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने ट्रिपल निकालना है, तो 3 × 2 = r, मीन्स रेडियस आपके पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर के आ गया रेडियस। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 क्या है, अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस मतलब उसकी हमने जो रेडियस है, मोटाई है, वो क्या करना है, पता करना है। मतलब एक कॉपर रोड है, कॉपर रोड अब किसकी फॉर्म में होगी, सिलेंडर की फॉर्म में। मतलब एक कॉपर रोड है, ऐसे एक पतली सी कॉपर रोड है जो सिलेंडर की फॉर्म में है, उसका जो डायामीटर है हमारे पास, जो डायामीटर है वो हमारे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाई लेंथ है, लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया गया है, एक यूनिफॉर्म थिकनेस, एक पतली और पतली एक सिलेंडर यूनिफॉर्म वायर में कन्वर्ट किया गया जिसकी लेंथ कितनी है, 18 मीटर है। ठीक है, तो हमने इसका जो थिकनेस है वो क्या करनी है, पता करनी है। मतलब थिकनेस का मतलब उसका जो रेडियस है वो हमने पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें डायामीटर ऑफ वायर या कॉपर रोड, डायामीटर ऑफ कॉपर रोड कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2 सेंटीमीटर, और आपकी जो हाइट ऑफ कॉपर रोड है, लेंथ कितनी है, हाइट ऑफ कॉपर रोड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जो हमारे पास है लेंथ ऑफ वायर, जिसको वायर में चेंज किया गया है, उसकी भी लेंथ कितनी है, 18 मीटर, मीन्स 1800 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में है। सिंस कॉपर रोड इज कन्वर्टेड इंटू
वायर। देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल है। अब दोनों सिलेंडर की शेप में है तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम भी क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई और पाई कैंसल, इसका जो रेडियस है वो, इसका रेडियस क्या है, वन बाय टू। इसकी हाइट कितनी है, 8। इसका रेडियस हमने क्या करना है, पता करना है, और इसकी हाइट कितनी है, 1800। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 1800 किसके इक्वल है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 900, 1 अपॉन 900 किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर। अब जो 900 किसका स्क्वायर हो गया, 30 का, तो रेडियस कितना आ गया, 1 अपॉन 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स थिकनेस ऑफ वायर वो कितनी आएगी, 1 अपॉन 30 सेंटीमीटर आ गई। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, जो सेल्वी हाउस है हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। जैसे हमारे घर में ऊपर टैंक लगे होते हैं ना, वैसे उनके घर में एक टैंक है, घर के ऊपर ओवरहेड मीन्स घर के ऊपर एक टैंक है जिसको किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। दिस टैंक इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प। इस टैंक को कौन फिल करता है, एक सम्प से फिल करते हैं, जो सम्प के एक अंडरग्राउंड टैंक है जो किसकी शेप में है, इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड की शेप में है। जो क्यूबॉइड सम्प है उसकी डिमेंशन कितनी है, 1.75 मीटर, 1.44 मीटर एंड 0.95 सेंटीमीटर के उसके डिमेंशन है। ठीक है, द ओवरहेड टैंक हैज इट रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर। जो ओवर है ऊपर जो टैंक है घर के ऊपर, उसके उसका रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट कितनी है, 95 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक वाज फिल्ड विद वाटर। जब ऊपर का ओवरहेड टैंक पानी से भर जाता है तो जो सम्प में पानी बचता है उसकी हाइट कितनी है, कितना पानी बचता है, और हमने क्या कंपेयर करना है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। उसकी कैपेसिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसकी जो डायग्राम है वो ऐसे है कि हमारे जो नीचे घर है, नीचे जो सम्प है, सम्प किसकी फॉर्म में है, एक क्यूबॉइड की, जो सम्प है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ठीक है, इसके से जो वाटर है वो कहाँ से हमने इसको फिल करना है, ऊपर हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसको हमने फिल करना है। ठीक है, तो जब ये सिलेंड्रिकल टैंक यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, तो यहाँ पे जो पानी है वो कितना बच गया, हमने उसकी क्या पता करनी है, हाइट पता करनी है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास दी हुई है 95 सेंटीमीटर दी है। और जो एक सम्प है इसकी डिमेंशंस कितनी है, लेंथ कितनी है, 1.57 मीटर है। ठीक है, ब्रेथ कितनी है, 1.44 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 95 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है, हमने क्या पता करना है, अब इसमें कितना पानी आ गया, टैंक का कितना पानी इसमें फिल हो गया, उसे किसे पता लगेगा, उसके वॉल्यूम से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके यूनिट चेंज करते हैं, जैसे इसकी यूनिट हमारे पास दी हुई है मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 157.50 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे 144 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक। तो ओवरहेड टैंक हम किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का आ गया, पाई हमने लेना 3.14, रेडियस कितना है, 60 × 60, हाइट कितनी है हमारे पास, 95 सेंटीमीटर है। फिर हमने क्या लेना, वॉल्यूम ऑफ सम्प, जो हमारा सम्प है वो किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 157 × 144 × 95 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, इस सम्प में कितना पानी बच गया,
जितना पानी इसमें से जितना इसमें भर गया, जितना पानी टैंक में था वो कहाँ सिलेंडर में भर गया। तो जब सिलेंडर फुल हो जाएगा तो जो पानी इसमें बच गया हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम वॉल्यूम ऑफ सम्प में से क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो माइनस करेंगे। अब सम्प का क्या है, 157 × 144 × 95 में से क्या माइनस करेंगे, 3.14 × 60 × 60 × 95 क्या हम करेंगे, ये पता करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जैसे जो टैंक है, ये टैंक इस सम्प हमारी इस शेप में है ना, तो इसका कितना पानी यहाँ पे जो बच गया उसकी हाइट कितनी है, जो पानी बच गया उसकी हाइट कितनी है वो हम कैसे पता करेंगे, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उसकी लेंथ और ब्रेथ से क्या करेंगे डिवाइड। तो हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट है, वाटर लेफ्ट इन सम्प वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ से, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम उसको वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ हाइट बच जाएगी। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना बचा है, 1.107380। तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है, 157 × 144 को हम इससे डिवाइड करके हम इसके क्या पता करेंगे, इसकी हाइट। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, 47.5 की आ जाएगी इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, इन दोनों की बीच में जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का हमें क्या पता करना है, रेशियो ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। तो हमने किसका पता करना है, टैंक और सम्प। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक को हमने किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ सम्प से हमने क्या करना है डिवाइड। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का, टैंक हमारे पास क्या सिलेंडर की फॉर्म है, तो 1 πr² h हमारा क्या था इसका, तो वॉल्यूम ऑफ सम्प क्या था हमारे पास, 157 × 144 × 95। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 95 से 95 कैंसिल हो गया, तो इसको रिमूव करेंगे यहाँ पे नीचे हमारे 100 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ पे आ गया 72। ठीक है, 72 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे पहले 60 60, तो ये 2 0 कैंसिल होगी, 6 6 36 यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 1/2 की आ गई रेशियो। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक और वॉल्यूम ऑफ सम्प की रेशियो क्या आ गई हमारे पास, 1:2। ओके,